खबर औरैया से है। शहर के नेशनल हाईवे पर स्थित सुदिति ग्लोबल एकेडमी में शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा माह का रंगारंग कार्यक्रम के बीच समापन किया गया। इस दौरान सदर विधायक एवं जिला अधिकारी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जिला अधिकारी ने आए हुए अभिभावकों एवं छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह आप लोगों की जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह माह इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक नरेश दिवाकर ने कहा कि सरकार नियमों का पालन कराए जाने के लिए कितना प्रचार प्रसार कर रही है, मगर लोग सरकार की बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाती है, फिर भी लोग इससे सीख नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करें जिससे कि अपने जीवन की सुरक्षा की जा सके। विद्यालय के चेयरमैन आनंद ने आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कई पेंटिंग बनाई गई थी जिसमें यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने सभी छात्रों को यातायात नियमों का पालन किए जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहनों को ना चलाएं, यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके ही जीवन की रक्षा होगी। वास्तव में एक आई ओपनिंग है, क्योंकि हमारे जो केशव जी हैं यहाँ के फाइन आर्ट्स के टीचर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तस्वीरें उकेरी हैं जिसमें ये मैसेज भी दिया है कि अगर सड़क सुरक्षा का पालन हम लोग नहीं करेंगे, नियमों की अनदेखी करेंगे या ड्रिंक करके ड्राइविंग करेंगे या फिर नियमों को तोड़ते हुए रैश ड्राइविंग करेंगे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन पोस्टरों में एक चेतावनी है, एक संबोधन भी है और साथ में एक मैसेज भी है, और वो मैसेज अगर लोगों तक पहुँच सके तो वो बहुत अच्छा होगा। कोशिश की जाएगी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के पोस्टर हैं, इनको हम लोग डिजिटाइज करा के कहीं भी जहाँ पे सड़क सुरक्षा संबंधी मैसेज देने होंगे उनको यूज़ किया जाएगा पूरे जनपद औरैया में। सबसे यही है कि किसी भी तरीके से रैश ड्राइविंग ना करें, सड़क के नियमों का पालन करें, और जहाँ भी कोई भी अनदेखी दिख रही हो उसको भी पुलिस को या यातायात पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। सड़क सुरक्षा मेंटेन करने में अगर जनता हमारा सहयोग करेगी तो हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिष्यपाल सीओ सिटी सुरेंद्रनाथ यादव के अलावा विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।